हे भगवान, मेरा रोटी वाला तवा तो इस पे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, रोटी कैसे बनाऊं मैं। फिर मैंने सोचा ना कि मैं इस पे पानी बॉयल कर देती हूँ और ना फिर उस पे तवा अपना चढ़ा देती हूँ, जब तवा गर्म हो जाएगा तो रोटी भी बन जाएगा। लेकिन मेरा रोटी तो इस पे गर्म ही नहीं हो रहा है, थाली तक चढ़ा दिया मैंने आज, लेकिन आज मेरा रोटी ही नहीं सिक रहा है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, हम सभी ने कई बार सुना है कि एक चुप सौ को हराए और एक चुप सौ को सुख दे जाए। यह बात तो सच है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने चुप रहने से बेहतर उत्तर और कोई हो भी नहीं सकता। इसीलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जीवन में हर जगह चुप रहना क्या सही बात है? गीता में भी तो यही लिखा हुआ है ना कि जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ हो भी नहीं सकता। कभी कभी जब हमारे सामने कोई ताकतवर इंसान होता है तो हम चुप रह जाते हैं, हम उसको कोई जवाब नहीं देते, हम उससे डर जाते हैं। यह इंसान कोई भी हो सकता है, यह हमारा कोई अपना खास भी हो सकता है, या कोई बाहरी इंसान भी हो सकता है। हम सोचते हैं कि ऐसा करने से हम एक झगड़े से बच जाएंगे, लेकिन हम यह नहीं सोच पाते कि हमारा चुप रहना एक बहुत ही बड़े संघर्ष को निमंत्रण दे रहा है। हमारी यही चुप्पी उस इंसान को और मौका देती है हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का, हमारा और अधिक फायदा उठाने का। वह व्यक्ति हमारा फायदा उठाता है, हमें डराता है और हम डरते चले जाते हैं, उस इंसान से दबते चले जाते हैं। और बस यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। क्या हम अपने मन से उस डर को निकाल फेंक अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह इंसान हमारा कितना बिगाड़ पाएगा, क्या बिगाड़ पाएगा? यदि हम सही हैं तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। यदि हमें अंदर से डर लगता भी है ना, तो सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलना चाहिए कि हम अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है कि हम अंदर से डर रहे हैं, वह व्यक्ति हमें अपने अनुसार ही चलाने लगता है। इसीलिए जिंदगी में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बिना डरे बिना सहे हर परिस्थिति का, हर व्यक्ति का सामना करना चाहिए। और यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हम डरे हुए हैं, यह बात सिर्फ हमें पता है और किसी को भी नहीं पता है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने किचन में। कैसे हैं आप सभी? आज आपके किचन में पक रहा है दाल, अभी मैंने चढ़ा दी है साइड में दाल, और दूसरे साइड ना मैं बनाने जा रही हूँ आलू और बोड़े की भुजिया। आज ना मेरी बहन का पेपर है, आज उसका फर्स्ट डे है एग्जाम का, 10 बजे निकलना है उसे एग्जाम देने के लिए। तो मैंने सोचा ना कि भुजिया और रोटी बना देती हूँ ना, तो नाश्ता करके निकल जाएगी। उसे दाल रोटी भुजिया बहुत अच्छा लगता है नाश्ता में। बाकी आज तो मैं उसके लिए बनाने वाली हूँ उसका फेवरेट बिस्किट। मेरी छोटी बहन को आटे का बिस्किट बहुत अच्छा लगता है, आटे का बिस्किट तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पता है मम्मी ना बचपन बनाती थी आटे का बिस्किट, बहुत टेस्टी लगता था, मन से खूब खाते थे। लेकिन ना आज मैंने सोचा कि अपने हाथों से ही बनाऊंगी आटे का बिस्किट। तो बस अभी ना मैंने सब्जी को छौंक दिया है थोड़ा सा मसाला नमक वगैरह डाल करके, और अभी मैं जा रही हूँ बिस्किट लगाने के लिए, अरे आटा लगाने के लिए, अच्छा बिस्किट के लिए आटा लगाने। तो रोटी बनाने के लिए तो आटा मैंने लगा दिया है, तो अभी चलते हैं बिस्किट बनाने के लिए आटा लगाने। तो बिस्किट में इलायची पाउडर भी डालना था, तो बस 3-4 इलायची को मैंने ऐसे चौका बेलना से कूच लिया है। बाकी जितना मैंने आटा लिया था बस उसी हिसाब से मैंने चीनी डाल दिया है, और बस इलायची और चीनी को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है। और इसके बाद ना हमें इस पूरे आटे को दूध से ही गूंथना है। यदि दूध में मलाई है ना तो वो भी हमें इसमें डाल देना है, क्योंकि जब मलाई डालते हैं ना तो जो बिस्किट बनता है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो बस दूध और मलाई से ही अपने इस आटे को बढ़िया सख्त गूंथना है। अभी मैं आटा लगा रही थी बिस्किट वाला, और वो वाला गाना है ना कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो बस जिस चीज़ का डर था वही कांडाज हो गया है। इतने दिन से डर रहे थे सिलेंडर ख़त्म होने का, और बस आज मेन टाइम पे सिलेंडर धोखा दे दिया है। पता है मैंने 15 दिन हो गया मैंने सिलेंडर का नंबर लगाया हुआ है, लेकिन अभी तक मेरे घर पे सिलेंडर नहीं पहुंचा है। मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि सिलेंडर आपका डिलीवर हो गया है, लेकिन पता नहीं कहाँ डिलीवरी होती है सिलेंडर की, मेरे पास तो सिलेंडर आता ही नहीं है। 2 बार मैंने नंबर लगा दिया है लेकिन अभी तक सिलेंडर मेरे पास नहीं आया है।
मैंने देखा सब्जी भी आधा कच्चा पक्का है, दाल भी मेरा आधा कच्चा पक्का है। अब दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या करूं, कहां चढ़ाऊं इन सब चीजों को। ऊपर से न जाने कौन सी मुहूर्त में मैं चली थी आज बिस्किट बनाने, इसका भी आटा लगा दिया है मैंने। अब न जाने अब आगे क्या होगा। खाना बनने का तो अभी कोई आगम ही नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि तब तक पानी ही भर लेती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ना अपनी बहन का हो रहा है, क्योंकि उसे 10 बजे निकलना है पापा, और उसके लिए मुझे खाना तैयार करना है। लेकिन कैसे तैयार करूँ बस यही नहीं समझ में आ रहा है। मैंने ना सारा नंबर भी ट्राई कर लिया, जो गैस एजेंसी का नंबर जितना भी था मेरे पास ना, सब नंबर ट्राई कर लिया, लेकिन कोई नंबर जो लगे, कोई नंबर स्विच ऑफ है तो कोई नॉट रीचेबल है, तो कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। फिर मैंने सोचा ना कि ईंटे का ही चूल्हा बनाती हूँ, उसी पर खाना बनाती हूँ, क्योंकि मिट्टी वाला चूल्हा ना अभी हम लोग के पास नहीं है। लेकिन फिर ईंटे का चूल्हा कहाँ बनाऊँ, छत पे बनाऊँ कि नीचे बनाऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और फिर इन सब चीज़ों में इतना टाइम लगेगा, और अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि 10 बजे मेरी बहन को निकलना है, आज उसका पेपर भी है। मेरे पास ये छोटा वाला सिलेंडर भी है, लेकिन इसका भी गैस खत्म हो गया है। गैस खत्म है मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी माचिस से जला जला के इसको ट्राई कर रही थी कि जले जले, थोड़ा सा भी जले तो मैं अपना सब्जी जो अधकचा है उसको पक्का कर लूँ। फिलहाल सारी नाकाम कोशिशों के बाद अब मेरा ध्यान पड़ा है सामने रखे हुए इंडक्शन चूल्हे के डिब्बे के ऊपर। ये इंडक्शन चूल्हा ना अभी 5-6 महीने पहले जब ठंडी का मौसम था तब आया था, ये बस ऐसे ही डिब्बे में भर के रखा हुआ है। बस रखे रखे ही गंदा हो रहा है, क्योंकि ना हम लोग के पास बर्तन ही नहीं है इसके ऊपर खाना पकाने के लिए। हम लोग के पास जो भी बर्तन है, कुकर, कढ़ाई, तवा, कुछ भी इस पर सपोर्ट नहीं करता है। इस पर ना वही वाला बर्तन सपोर्ट करता है जो कि नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो, और मुझे पता है कि इस पर फ्लैट बर्तन ही सपोर्ट करता है, कुकर कढ़ाई मेरा सपोर्ट नहीं करता। फिर भी अपने दिल की संतुष्टि के लिए ना मैं बार बार कढ़ाई, कुकर, तवा सब चढ़ा चढ़ा के देख रही हूँ कि सपोर्ट कर दे क्या पता भगवान की दया से। जब ये ठंडी में आया था ना, तो हम लोग इसका यूज करते थे बस पानी गर्म करके पीने के लिए, क्योंकि जग में रख देते थे पानी इस पर गर्म करने के लिए ना, तो जग का जो पेंदी था ना वो फ्लैट था, तो इस पर आसानी से सपोर्ट भी करता था और गर्म भी हो जाता था पानी। बस इसका यही यूज होता ही था। बाकी गर्मी जैसे ही आया ना, मैंने इसको उठा करके रख दिया, क्योंकि कोई यूज ही नहीं हो पाता था इसका। बाकी फ्लैट बर्तन के नाम पर ना मेरे पास बस यही एक भगोना है, मैंने इसको चढ़ाया तो ये सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसका जो पेंदी है वो काफ़ी पतला है, इसमें खाना जलने का डर है। लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, इतना मुझे कुछ भी और नहीं सूझ रहा था। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके को सहारा मिल गया, तो बस मुझे यही सहारा मिल गया था, और मैंने सोचा कि बस इसी पे आज मैं खाना बनाऊंगी, चाहे जैसे भी बनाऊंगी, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सबसे पहले ना इसमें दाल पलट दिया है अभी, क्योंकि दाल में बस थोड़ा बहुत ही कसर था, बाकी दाल हो ही गया था। बस 5 मिनट के लिए और अगर गैस रह जाता तो मेरा दाल कब का हो चुका रहता। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ अपने इंडक्शन चूल्हे पर दाल को चढ़ा दिया है। सबसे पहले ना मैंने वहाँ जो करी का एक बटन था उस पर क्लिक कर दिया ना, तो हाई फ्लेम पर मेरा जो दाल है वो उबल गया। इसके बाद ना मैंने वहाँ पे हीट मिल्क का एक ऑप्शन था उस पर क्लिक कर दिया, तो जो दाल था ना वो धीमे आँच पर स्लोली स्लोली मेरा पक गया, और 5 से 6 मिनट में ना मेरा दाल बढ़िया से एकदम मिल गया। तो मेरा दाल तो बन के तैयार हो गया है, अब बस आगे सोचना है कि सब्जी कैसे बनाएंगे और रोटी कैसे सेकेंगे। दाल तो मेरी भगवान के दया से जैसे तैसे पक गई, लेकिन अब मुझे पकानी है अपनी सब्जी को। यदि 5 मिनट सिर्फ और सिलेंडर रह जाता ना, तो मेरा दाल भी पक गया रहता और मेरी सब्जी भी पक गई रहती। फिलहाल अभी तो मैंने कढ़ाई भी चढ़ा के देख ली, लेकिन वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है चूल्हे पर। तो मैंने सोचा ना फिर से उसी सस्पेन को धो करके उसी में सब्जी पलट के ना उसी में पकाते हैं। बाकी उसकी पेंदी तो काफ़ी पतली है, लेकिन फिर भी ट्राई करते देखते हैं, थोड़ी सी ही कच्ची है सब्जी, तो क्या पता धीमे आँच पर धीरे धीरे पक जाए। तो बस मैंने सब्जी को ना उसी में पलट दिया, उसी वाले बर्तन में, और बाकी हीट वाले जो हीट मिल्क वाला जो ऑप्शन है ना, उसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके धीमी आँच पर ही सब्जी को मैं चलाते हुए पका रही हूँ। सब्जी तो जैसे तैसे पक गई, लेकिन जो बर्तन था सब्जी भी जिसमें मैंने पकाया वो बहुत बुरी तरीके से जल चुका है, और आज का जो बाहर का मौसम है वो भी काफ़ी धूप वाला है। और जो आगे का टेंशन है वो है मेरा रोटी सेकने का, कि मैं रोटी कैसे सेकूं। पहले तो मैंने सोचा ब्रेड मंगा के जो मैंने सब्जी बनाया है बस उसी को ब्रेड के बीच में भर के जिसमें सब्जी बनाया था ना, बस उसी वाले बर्तन में तेल डाल के ब्रेड को दोनों तरफ से सेक के वही दे देती हूँ। लेकिन मैंने दुकान में पता किया ना, तो ब्रेड भी खत्म हो गया था दुकान में, ब्रेड ही नहीं था दुकान में। तो मैं बस काफ़ी टेंशन में थी कि क्या
बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। मैंने YouTube पे भी काफ़ी सर्च किया रोटी कैसे सेके इंडक्शन पे, लेकिन कोई भी अच्छा वीडियो नहीं मिला मुझे। उस पर ना एक वीडियो मिला भी मुझे, तो डोसा तवा पे वो बता रहे थे कि रोटी कैसे सेके, लेकिन मेरे पास तो डोसा तवा भी नहीं है। तो बस काफ़ी सोचने के बाद ना मुझे एक आइडिया आया। मैंने क्या किया, बस उसी भगोने को धोया और उसमें पानी चढ़ा दिया उबालने के लिए। बाकी जब पानी उबल गया ना, तो मैंने उस पर तवा अपना चढ़ा दिया और बस रोटी बेलकर उस पर चढ़ा दिया सेकने के लिए। मैंने सोचा कि पानी गर्म होगी तो तवा भी गर्म होगा और मेरी रोटी भी अच्छे से सिक जाएगी तवा के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा पूरा समय बस बर्बाद हुआ, बिल्कुल भी उस पर असर ही नहीं पड़ रहा था। और फिर न बस मैं ट्राई करने लगी हर बर्तन, मैंने थाली तक को भी नहीं छोड़ा रोटी सेकने के लिए। आज इंडक्शन पर रोटी सेकने के लिए ना बस मेरा एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल जारी था। बाकी कोई भी एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। थाली वाला एक्सपेरिमेंट भी मेरा बिल्कुल बेकार रहा। थाली जल गई लेकिन मेरा रोटी बिल्कुल भी नहीं बना। तो बस इतने सारे नाकाम कोशिशों के बाद अब मेरे दिमाग में आया फिर से एक ज़बरदस्त आइडिया, और ये आइडिया है पूरी छानने का। मैंने सोचा कि जब उस बर्तन में दाल पक सकता है तो पूरी भी तो छन ही सकता है। तो बस मैंने उसी बर्तन को लिया, पानी फेंक करके उसको अच्छे से पोछा और बस तेल को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और अभी बस मैं पूरी बेल रही हूँ। रोटी वाला एक्सपेरिमेंट तो सफल नहीं हो पाया, देखते हैं पूरी वाला एक्सपेरिमेंट मेरा कितना सफल होता है। भगवान की दया और आप सभी के आशीर्वाद से मेरा पूड़ी वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। चलिए फिलहाल रोटी ना सही पूड़ी तो बना। सच बताऊं तो अभी को जाके ना दिल को बहुत सुकून और राहत मिल रहा है। पहले मैं काफ़ी डर रही थी कि पता नहीं ये भी सपोर्ट करेगा या नहीं रोटी के जैसे, ये भी पता नहीं फूलेगा कि नहीं, अच्छे से बनेगा या नहीं, लेकिन अच्छे से बस बन गया। और वो कहते भी है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बस मैं भी डटी रही, बिल्कुल अंत तक लगी रही। रोटी ना सही पूरी तो छना, और बस अब गरम गरम पूरी छान के फटाफट से देते हैं उन लोगों को, क्योंकि टाइम हो चुका है बिल्कुल निकलने का। बज रहे अभी 9:30। तो मैंने पूड़ी और भुजिया दे दिया नाश्ता करके। मेरी बहन अभी जा चुकी है कॉलेज अपने एग्ज़ाम देने के लिए, और अभी ना बस मैं जा रही हूँ, जो बिस्किट वाला आटा लगाया था ना मैंने, बस वही बिस्किट बनाने जा रही हूँ मैं। बिस्किट वाला आटा नव रह के अभी बन गया ठोकवा वाला आटा, क्योंकि जो चीनी मैंने डाला था ना वो पूरा अच्छे से पिघल चुका है। जो हम बिस्किट वाला आटा लगाते हैं वो सख्त होना चाहिए, और जब हम आटा लगाते हैं उसके तुरंत बाद ही हमें ना उसका बिस्किट बना लेना चाहिए, नहीं तो जो चीनी रहता है वो पिघल जाता है, और जब चीनी पिघल जाता है तो जो हमारा आटा है वो मुलायम हो जाता है, तो जो हमारा बिस्किट है वो मुलायम ठोकवा के जैसे बन जाता है। यदि जब हमारा आटा सख्त रहता है ना, तो जो हमारा बिस्किट बनता है वो कुरकुरा और काफ़ी थोड़ा हार्ड बनता है, जिससे कि खाने में ना अच्छा लगता है, बिस्किट जैसा लगता है। लेकिन अभी इसका आटा लगाए हुए इतना ज़्यादा टाइम हो चुका था कि पूरा चीनी अच्छे से पिघल चुका था आटे में, और आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो चुका था जैसे हमारे ठोकवे का आटा होता है। तो बस मैंने सोचा इसका ठोकवा ही बना लेते हैं। तो चलिए, सारा ठोकवा तो हमारा बनके तैयार हो चुका था, तो मैंने चावल भी चढ़ा दिया उसी वाले बर्तन को धो करके। आज ये वाला बर्तन मेरा कितना काम आया। मैं यही सोच रही थी कि ये वाला बर्तन अगर नहीं होता तो मैं आज खाना कैसे बनाती अपना। अभी का खाना तो जैसे तैसे बन गया, शाम को क्या बनाऊँगी कैसे बनाऊँगी बस यही सोच रही हूँ। भगवान प्लीज़ सिलेंडर आ जाए मेरा, पता नहीं क्यों सिलेंडर नहीं आ रहा है। मैंने उसको कितनी बार कॉल भी किया लेकिन उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। सब्जी तो इस वाले बर्तन में आराम से बन जाएगा, लेकिन रोटी कहाँ सेकूंगी, वही मेन प्रॉब्लम है। अब देखते हैं सिलेंडर मेरी दोपहर में आज आती है या नहीं, नहीं तो शाम को चावल बना दूंगी, नहीं तो पूरी छान दूंगी थोड़ा सा, वही खाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं सिलेंडर मेरा कब तक आता है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे आज काफ़ी मज़ा आया इंडक्शन पे खाना बना करके। मैंने आज काफ़ी कुछ सीखा है। परिस्थिति जैसी भी हो, हर परिस्थिति में यदि धैर्य से काम लिया जाए ना, तो बिल्कुल आसानी से हर एक चीज़ का सोल्यूशन निकल सकता है। मैं हमेशा सोचती थी कि बर्तन ही नहीं है मेरे पास तो मैं कैसे बना पाऊँगी, लेकिन आज देखिए जब संकट का समय आया तो वही मेरा एक भगोना ही मुझे इतना काम दिया। मैंने उसी भगोने में अपनी सारे खाने बना लिए। तो चलिए बस इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने वीडियो ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड
करने जा रही हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा। मुझसे हमेशा यूँ ही जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक देखते हैं मेरा सिलेंडर आता है या नहीं, आता है तो कब तक आता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में।